गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन. जेडे भी स्टूडेंट्स मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं ज करना चाहते हैं ज हले वो सोच रहे हैं कि असं तैयारी करिए किमें करिए उन्होंने ये चैनल काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल होएगा यूजफुल होएगा. इतने पूरा का पूरा सिलेबस जो है प्रोपरली ऑर्गनाइज मिलेगा. सारा सिलेबस आप मोस्टली कवरअप कर लिया है. अज जो टॉपिक है आप कंप्लीट करना है दैट इज़ LPP और ये अपना चैप्टर नंबर 22 है. जिमें कि अगर तुम सिलेबस में स्टडी किया है दैन अपन सारे पता है कि अपने नियर अबाउट 24 चैप्टर्स ने जिदों 21 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं और अज आप 22nd चैप्टर कंप्लीट करना है विच इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. काफ़ी ईजी है. 2-3 या 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं थ्रेटिकल भी होंगे है ना. कि क्वेश्चन होने के कुछ होएगा जिमें थोड़ा पता है जोड़ा टॉपिक है तुम्हें प्लस टू के स्टडी किया इस टॉपिक के जो ग्राफिकल क्वेश्चन ग्राफिकल वे क्वेश्चन सॉल्व करते लीनियर इक्वेशन है ना. यदि लड़ कि पी क्यों है की है सारा कुछ आप डिटेल समझा जाना. जेकर तुम फर्स्ट टाइम आए हो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट. अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो जो मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो भी वधिया तरीके तैयारी कर सकते हैं. इस तों इलावा अज और रेगूलर अपनी की होंगी है 5 बजे क्लास होंगी है 5 PM क्लास होंगी है. कुछ कारण नहीं लगा पाए से आप 2 दिन ठीक है मैं आउट ऑफ स्टेशन सी और जिदे करके नहीं लगा पाए बट अज तो नहीं जो अपनी क्लासिज रेगूलर लगन गई आई प्रोमिस दैट कि अपनी रेगूलर 5 बजे क्लासिज होनगिया ही होनगिया MCQs ठीक है. आप हर एक टॉपिक के नियर अबाउट 100 MCQs डिस्कस करते हैं. उन्होंने जो लिंक है लाइव क्लासिज वो तो हम टैलीग्राम ग्रुप के मिल जाया करेगा. डिस्क्रिप्शन के लिंक हैगा तुम उतो चैक कर सकते हो ठीक है. और टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो यूजफुल होगा तो काफ़ी हैल्पफुल होगा ठीक है. अपडेट्स उतें मिलती है तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में विच इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ठीक है जी. चलो तो इस अलावा देखो लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम्स सब तो पहले आप गल करते हैं LPP अपना अज का टॉपिक है दैट इज़ LPP. ये लोड कितने पी क्यों इनू यूज़ किया जाता है ये मोस्टली आप फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम मिनिमम है ना सारा कुछ आप देखते हैं. देखो तो L का मतलब की होंगे है L का मतलब होंगे है लीनियर और लीनियर का मतलब आपको सारे पता है लीनियर की होंगे 1 डिग्री इक्वेशन होंगे ने तो जितने तुम्हें 1 डिग्री की इक्वेशन नज़र आएंगे उत्थे आप मैथड यूज़ कर सकते हैं. अगर अपने कोई क्वाड्रेटिक आ जाती है ज होर आ जाती है जो अपनी सिलेबस है नहीं तो आप करना भी नहीं है तो उन इन जनरल दस दी तो उत्थे आप ग्राफिकल मैथड यूज़ नहीं करते ठीक है. सो एक ग्राफिकल मैथड है ग्राफ्स की हेल्प नाल क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है कितने किया जाता है जितने लीनियर इक्वेशन आप गिवन होंगे ठीक है. पी का मतलब की हो गया प्रोग्रामिंग मतलब एक प्रोपरली प्रोग्रामिंग की जाती है एक प्लान बनाया जाता है कुछ चीज़ों और समझने के लिए. हम प्रोग्राम आपने हाले तक यह देखा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर की है अपने प्लान की गल नहीं की प्रोग्राम की गल नहीं की ठीक है. ये सारिया चीज़ें देखो प्रॉब्लम्स पी का मतलब तो प्रॉब्लम्स ही है थोड़ा सारे पता है ठीक है. देखो हूँ जो आप किसी बिजनेस की गल करते हैं बिजनेस के होंगे है ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है ठीक है. हर एक बिजनेसमैन की कोशिश होंगी है कि मैनू ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉफिट हो गए ताकि मैं कि कर सकता मेरी हूँ जो आप गल करिए उन्हें सारिया चीज़ों आप LPP नहीं यूज़ करते जिते आप कोशिश करते हैं कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गई और मिनिमम मेरा की हो जो मैं खर्चा कर रहा जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो मिनिमम हो गई है ना. तो चलो एक एग्जाम्पल के समझते हैं प्रॉपरली ज़्यादा वजिए समझ आऊगा कि यदि लोड कितने पी ये तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है ठीक है. देखो जी एग्जाम्पल लें आप एग्जाम्पल लैके समझते हैं कि LPP की लोड पैंती कितने आ इन रियल लाइफ ठीक है. मैथ नाल लिंक नहीं है बट चीज़ समझने वास्ते ठीक है. हम ये पता की होएगा इस एग्जाम्पल तो बाद अपन चीज़ा समझ आनी शुरू हो जाएगी. मान लो तुम कोई भी की है कोई शॉप लगाना चाहते हो जो कोई ना कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो ठीक है. कोई भी बिजनेस कोई कपड़े की दुकान कोई शूज़ की दुकान कोई कोई भी किरियाने की दुकान कोई भी तुम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ठीक है. सब तो पहला तो थोड़ा की करना पेगा थोड़ा एक शॉप देखनी पेगी. एवं तो है नहीं कि थोड़ा जिथे मन किया जो घर के अपना है ना सारा समान लिया के इकट्ठा कर लिया इदा नहीं होंगे तो थोड़ा पहला सब तो पहला की देखना पेगा एक शॉप देखनी पेगी ठीक है. हो सकता है वो शॉप तुहाड़ी खुद की होवे जां हो सकता है इन स्टार्टिंग आप लेके चलते हैं कि वो रेंट की होंगी है ना. तो हो सकता उदो तुसी की करो रेंट के उपर लो कोई भी सिचुएशन हो सकती है. तो रेंट वह किमें दोगे जिमें उसका साइज होएगा उमें तुम उसका रेंट दोगे. दुकान वड्डी है तो ज़्यादा रेंट होएगा दुकान छोटी है तो घट रेंट होएगा ठीक है. मेरे कहने का मतलब की है कि हुण तुहाड़े कोल की हो गया शॉप के विच तुसी पहला अपने कोल पैसे निकाल के रखे कि अगर मैंने कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए मैंने पहला कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पेगी कुछ ना कुछ पैसा लगाना पेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे को 4 लाख रुपए है मैं 4 लाख रुपए लगा के स्टार्ट कर लैंना ठीक है. क्योंकि अगर तुम कोई शॉप भी लगाने हो तो शॉप भी शुरू कर दो तो पहली गल तो वह रेंट हो गया वो तो हमारे कोल होना चाहिए. दूसरी गल तो हमारे कोल जो तुम प्रोडक्ट सेल करना वो प्रोडक्ट तो शॉप के अवेलेबल होना चाहिए
ठीक है, भी राइटिंग होनी चाहिए है। ठीक है, तो अपने को होएगी, सब तो पहले तो तुम देखा कि मेरे को इन्नी की इनवैसटमेंट है, लेट कर लो मेरे को 3 लाख रुपए हैगे हैं। अगर 3 लाख रुपए लगा के मैंने की किया काम शुरू कर लिया, तुम कि जाओगे माल खरीदन जाओगे, कोई भी कपड़े की दुकान तुम शुरू कर रहे हो या किरियाने की कर रहे हो, किरियाने की लगा लो, चीजा लैन गए। ठीक है, तुम एक लिस्ट बना ली कि जो किरियाने की दुकान शुरू की, ठीक है, मैंने इस चीज़ से इन्नी चीज़ा चाहिए, ए मेरे को इन्ने चाहिए हैं, ठीक है जी, बी मेरे को इन्ने चाहिए हैं, ठीक है, सी प्रोडक्ट जो है उसदिया मेरे को इन आइटम्स होनी चाहिए ने, ठीक है, जिम्मे चिन्नी है, चिन्नी आप ज़्यादा मंगानी पैंती है। ठीक है, बाकी चीज़ा कई बार कोई प्रोडक्ट इदा का होंगे जो घट बिकद बट मंगा के रखना पैंता क्योंकि बिकता है। ठीक है, चिन्नी ज़्यादा बिकती है तो वह चीज़ा होंगे। तो अगर आप गल करिए कोई डी है वो तुम इन आइटम्स मंगा लिया, ठीक है, तो यह कुछ की हो गई कुछ अपने को नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स हो गए कि जेडे मंगाने हैं। हुण तुसीं इदां तां है नहीं कि तुहाडे कोल तुसीं गए, ठीक है, खरीदण शॉपिंग करन गए, ठीक है, आप बिजनेस शुरू करना है, अपने कोल 3 लाख रुपए हैगे, दुकान ते गए समान लैंदे लैंदे इन्ना समान लै लिया कि तुसीं 5 लाख का समान लिया है और दुकान दे विच जो समान रखन लगे तो तुहाडे कोल दुकान दे विच जगह घट गई। ठीक है, तो इदां दीआं चीज़ां आपां फेस नहीं करना चाहते, तां करके इत्थे बहुत सारियां की हुंदियां ने रिस्ट्रिक्शनस भी हुंदियां ने। रिस्ट्रिक्शनस का मतलब की है कि तुहानूं प्रोपरली एक प्लैन करना पएगा, की प्लैन करना पएगा कि एक पहली गल तो जो भी मैंने समान प्रोडक्ट खरीदने ने जिन्या जिन्या आइटम्स खरीदनिया ने वो ध्यान खरीदनिया पैनगियां। जेडे प्रोडक्ट की ज़्यादा सेलिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये चिन्नी है, यदि ज़्यादा सेलिंग होंगी है, ठीक है, हो सकता है जो इन्ना मार्जन ना मिलता हो बट बिकती ज़्यादा क्वानिटी लिया के रखनी पेगी तो यह आप ज़्यादा खरीदा। ठीक है, हो सकता है बी कोई होर प्रोडक्ट है, ठीक है, लट कर लो कुछ भी है जिंद बिक्री घट होंगी है बट होंगी है सो आप मंगानी पेगी, वो घट क्वानिटी भी आप लैके आवेंगे, तो वह मतलब वो आप डिवाइडेशन करा कि किन्नी जरूरत है। अच्छा, फिर उस तो बाद आपने देखना है कि जो भी मैं खरीद रहा वह मेरे को है जा तो 3 लाख ज 3 लाख तो घट दे हो। ठीक है, तुहाडी इनवैसटमेंट हले सिर्फ 3 लाख है, तुसीं 3 लाख तो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। आप दुकान के उपर गए हैं 3 लाख तो वध दा समान लैके नहीं आ सकते, हो सकता 3 लाख आप पूरा लगा दिए बट जरूरी नहीं है, हो सकता आप 3 लाख तो घट दा समान लैके आइए। ठीक है, तो मतलब की है 3 लाख ज 3 लाख तो घट तक की ही चीज़ आप खरीद सकते हैं और चीज़ इन्नी कु खरीदनी है कि जिहड़ी तुहाडी शॉप का साइज है उसकी जो कैपेसिटी है वो कपैसिटी के अकॉर्डिंग तुसीं उसनूं ऑर्गेनाइज प्रोपरली कर सको। ठीक है, ऑर्गेनाइज भी प्रोपरली कर सको तो वह कपैसिटी का भी अपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्होंने मामले आपने की लैने होंगे डिसीजन लैने होंगे हैं कि डिसीजन लैने होंगे कि कि आइटम आप ज़्यादा खरीदिए कि प्रोडक्ट आप घट खरीदिए। ठीक है, तो ये अपने की होंगे ने इन्हों आप बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लिए आपने की लैने होंगे डिसीजन लैने होंगे, जेकर तुम कपड़े की दुकान लगा रहे हो तो कि चीज़ का ट्रेंड अच्कल ज़्यादा चल रहा है, जीन्स का ज़्यादा चल रहा है, सूट का ज़्यादा चल रहा है, वो चीज़ा है ना, तो मतलब की है डिसीजन वेरिएबल्स होंगे ने अपने। ठीक है, तो हम अपने को जड़िया रिस्ट्रिक्शनस ने ना इन्हों रिस्ट्रिक्शनस भी बोल देंगे लाइक अपने को कपैसिटी है, अपने को इनवैसटमेंट ने। ठीक है, तो या फिर इन्हों कॉन्सट्रेंट्स भी बोल देंगे। ठीक है, अपने कोल इन्हों होर की बोलते हैं कॉन्सट्रेंट्स भी बोलिया जाता है, दीज आर नोन एज कॉन्सट्रेंट्स। ठीक है, हुण इहदे विच एक होर गल ध्यान च रखने वाली केड़ी है जी, इहदे विच एक होर गल ध्यान च रखने वाली यह है कि जेडे ये कॉन्सट्रेंट्स ने यह हमेशा की होंगे पॉजिटिव होंगे, इट कांट बी लैस दैन 0। तुसीं कहोगे मैम इदा क्यों, क्योंकि तुसीं सोच के देखो ये की ने नंबर ऑफ आइटम्स ने जो तुसीं खरीदने ने, हो सकता तुसीं दुकान ते जाके बिल्कुल भी नहीं कुछ खरीदते आई आ जाने तो मतलब तुसीं कुछ भी नहीं खरीदा, मतलब आह सारे की हो गए 0 हो गए। ठीक है, दीज ऑल आर 0, या फिर तुसीं 1 या 2 या 3 या 4 या लोड़ के मुताबिक खरीदोगे, एवं तो हुंदा नहीं कि तुसीं घरों लैके गए तो उत्थे जाके सेल करे, नहीं ना, नैगेटिव दे विच नहीं हुंदा, हमेशा जा 0 हो सकता है जा पॉजिटिव हो सकता, तो करके ये हमेशा की होंगे जी पॉजिटिव होंगे कदे भी नैगेटिव नहीं होंगे, तो यह भी अपने को होगी एक ना एक की होगी कंस्ट्रेंट्स हो गया। ठीक है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के नाल अपना मेन अच्छा हूँ इन्होंने सारिया गलों के नाल चलते चलते एक टारगेट होंगे और टारगेट अपने को होंगे और टारगेट होंगे कि यह सारिया चीज़ा मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम एक शॉप स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इन्ना सोच रहे हो, प्रोपर प्लैन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ताकि तुहानूं की हो सके मैक्सीमम तुहाडा की हो सके प्रॉफिट हो सके, घट तो घट खर्चा मैक्सीमम प्रॉफिट, घट तो घट लॉस हो सके। ठीक है, कॉमन जी चीज़ है, कोई भी ऐसा तो सोचूगा नहीं कि मेरा खर्चा वध हुंदा हो ही जा दो प्रॉफिट नहीं हुंदा ना सी, नहीं, प्रॉफिट अपना मैक्सीमम होना चाहिए। सो अपने को है सारा कुछ आप प्रॉपरली की करते हैं, प्लैन करते हैं,
सारा कुछ आपने प्रॉपरली की कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, इसनों ही इतने ही जो है वो एलपीपी यूज की जाती है। इतने जो तुहाडे कोल इक्वेशन बनगियां वो लीनियर बनगियां, लीनियर इक्वेशन मतलब 1 डिग्री दियां बनगियां, और ये अपने कोल किने रिस्ट्रिक्शंस ने, कंस्ट्रेंट्स ने, ठीक है। और अपना मेन टारगेट की है ज्यादा तो ज्यादा प्रॉफिट कमाना, क्लियर है। उम्मीद है थानू क्लियर होया होगा कि जो एलपीपी है प्रैक्टिकल लाइफ दे विच यूज कित्थे कित्थे जांदी है। अगर थानू ये क्लीयर हो गया तो हुण थानू बाकी चीज़ा समझण दे विच की होएगी, ईजी होएगी, आराम नाल आपां बाकी चीज़ा नू भी ईजीली समझ सकते हैं। थोड़ा जा होर समझण दे लई एक एग्जाम्पल लैंदे आ कि ये सब कुछ मैम सानू समझ आ गया, थोड़ा जा होर डिटेल दे विच दस्सो। तो देखो जिवें अपने कोल कोई एक एग्जाम्पल है, मान लो तुसीं अपनी गल कर लो, तुसीं जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो है ना, तुहाडा कोई नेम होएगा, तुसीं अपनी गल कर लो, तुसीं की कीता, एक स्टार्ट किया बिजनेस स्टार्ट किया, तुसीं क्या कि आपां दा की करांगे शॉप खोलांगे, ठीक है जी। आपां ने शॉप खोली, ठीक है, आपां ने की कीता लगा लो कुछ भी कपड़िया की दुकान खोली, ठीक है। तुसीं क्या कि इन्ने जो मेरे कोल की है दो ही चीज़ा लैके आनी आप, ठीक है, एक अपने कोल होनिया चाहिए शर्ट्स, एक होनिया चाहिए पैंट, ठीक है। तो तुसीं क्या कि एक तो मैं लैके आवांगा अपनी शॉप के शर्ट, क्योंकि इन्होंने दोनों चीज़ों का ही, ठीक है, एक लैके आवेंगे अपन जीन्स या पैंट, ठीक है, जीन्स लिख लो इतने, चलो तो यह दोनों चीज़ा मेरी शॉप के हो गई, हाले स्टार्टिंग है, हाले इन्ना की करते हैं, है ना। तो यह दोनों चीज़ा अपनी शॉप के हो गई, तो मैंने मान लिया कि तुम शर्ट के एक्स पीस लैके आओगे, ठीक है जी, और तुसी जीन्स दे वाई पीस लैके आओगे, ठीक है। तो यह जेडे तुसी लैके आओगे ये की हो गए तो हाडे डिसीजन वेरिएबल्स हो गए कि तुसी डिसीजन लेना है कि मैं शर्ट दे किन्ने पीसिस लैके आवा और जीन्स दे किन्ने पीसिस लैके आवा, ठीक है। तो वो थोड़ा की हो गया डिसीजन लेना हो गया। हुण ये अपने कोल की हुंदे आ, ये अपने कोल हुंदे आ डिसीजन वेरिएबल्स जिहदे बारे तुसी की लैना डिसीजन लेना, ठीक है। अच्छा फिर स्टोरेज भी मैटर करती है, स्टोरेज की है कि तुसी अपनी शॉप दे विच की है ज्यादा तो ज्यादा सिर्फ 200 पीसिस ही रख सकते हो, उस तो बाद नहीं रख सकते, हले दुकान तो अपनी छोटी है। तो आपने क्या कि ठीक है मैंने इस तरीके ना लेना कि दोनों का जोड़ करके किन्ने भी पीसिस लै सकता, मैं 200 या 200 तो घट लै सकता। हुण इसनू मैं जस्ट एक एग्जाम्पल लै रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर देखियो, ऐना हो गई हो कि 200 तो वध तो मैडम आराम नाल रखे जा सकते हैं, ठीक है, अदर थोड़ा समझन की कोशिश करियो, ठीक है। कि मैंने की है दोनों चीज़ों को कंबाइन करके 200 पीसिस तो ज़्यादा हले जगह नहीं हैगी मेरे को शॉप के, ठीक है। और मेरे को अच्छा फिर इन्वेस्टमेंट कि मेरे को पैसे किन्ने हले स्टार्टिंग है नवी नवी, मेरे को किन्ने पैसे हाथ में है कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता। तो मैंने देखा कि मेरे को सिर्फ तो सिर्फ नियर अबाउट कुछ 50,000 रुपये हैगे तो जिदे नाल मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता, ठीक है। तो मतलब की हो गया, हुण तुसीं सोच के देखो कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा सिर्फ तो सिर्फ किन्ने पैसे 50,000 रुपये ही खर्च कर सकता, हाँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने नंबर ऑफ मैंने खरीद लिया, ठीक है, मैंने क्लॉथ्स इतने लिख रहे, इतने एक्स है, इतने वाई है, मैंने किनिया शर्ट्स खरीद लिया, मैंने नियर अबाउट 50 शर्ट्स खरीद लिया, ठीक है, और मैंने किनिया पैंट्स खरीद लिए, मैंने नियर अबाउट 300 पैंट्स खरीद लिया। तो मेरे को टोटल किन्ने हो गए, मेरे को एदा खर्चा हो गया टोटल 50x, एदा खर्चा हो गया टोटल 300y, तो टोटल किन्ना खर्चा हो गया, टोटल मेरे को खर्चा हो गया 50x प्लस 300y, ये मेरे को टोटल खर्चा हो गया, ठीक है। बट ये खर्चा किदे तो घट होना चाहिए, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये खर्चा मेरा जिन्ना मर्जी हो, बट ये खर्चा मेरे को 50,000 तो घट होना चाहिए, क्योंकि हले मेरे को सिर्फ इन्ने ही पैसे है, 50,000 रुपये ही है, मैं उस तो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती, वो इक्को हो सकता है बट उस तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये दोनों अपन पता लग गया। एक होर रिस्ट्रिक्शन इतने केड़ी आ जाती है कि नंबर ऑफ शर्ट्स से नंबर ऑफ पेंट्स, इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि ग्रेटर दैन जीरो होगी, लैस दैन जीरो नहीं होगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो हो सकते हैं, ठीक है, क्लीयर है। तो चलो इतों तक क्लीयर हो गया। हुण आपां गल करदे आ कि आपां ने बिजनेस स्टार्ट कादे वास्ते कीता, आपां ने बिजनेस स्टार्ट कीता प्रॉफिट वास्ते, ठीक है। मैंने देखा कि मैनूं प्रॉफिट हो रहा, ठीक है, मेरे को शर्ट ते प्रॉफिट हो रहा 30 दा और मेरे को पैंट ते प्रॉफिट हो रहा 50 दा, ठीक है। तो मतलब मैंने कुछ आइटम्स नूं की कीता सोल्ड कीता, अगर मैंने 30 इत्थे एक शर्ट बेची तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो गया, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, और जेकर मैंने एक पैंट बेची तो मैंने कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा, तो मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 30x और एदा कितना हो जाएगा 50y, तो टोटल प्रॉफिट मेरे को कितना आ गया 30x प्लस 50y आ गया। और इसनों आप किदे नाल रिप्रजेंट करते हैं, इन जनरल इसनों आप जेड नाल रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। हुण अपना मेन टारगेट की है, अपना मेन ऑब्जेक्टिव की है, अपना मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इतने मैं जेड के इक्वल टू के वैल्यू लिखी है उसनों मैक्सीमम करना, ज़्यादा तो ज़्यादा हो गए मेरे को घट ना हो, है ना, जिन्ना ज़्यादा हो सकता है उन्ना वधिया, इदा कोई लिमिट नहीं है, जिन्ना ज़्यादा हो जाए उन्ना वधिया है,
ठीक है, तो मेरा इतने टारगेट है इसनों मैक्सिमम करना, क्यों, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है, जिन्ना मेरे को प्रॉफिट होगा मैं उन्ना फायदा, मैं उन्ना ज्यादा अगे जाके की कर सकता, इन्वेस्ट कर सकता, ठीक है। सो इसनों आपा की बोलते हाँ, इसनों आपा बोलते हाँ ऑब्जेक्टिव, इट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव, मतलब मेरा एक टारगेट, ठीक है जी, इनू आपा की बोल दिया टारगेट या ऑब्जेक्टिव। तो हम उम्मीद है इस चीज़ तो सानू समझ आ गया होएगा इस एग्जाम्पल तो कि किस तरीके नाल तुसी क्वेश्चंस नू सॉल्व करना होंदा है ना, कि पहली गल तो डिसीजन वेरिएबल्स केड़े ने, मेरे को रिस्ट्रिक्शंस हो गया, कॉन्सट्रेंट्स हो गए, ठीक है, कि मैंने इन्ने तो घट लेना जो इन्ने तो घट मेरे को इक्वेशन बनगियाँ, ठीक है। उस तो बाद मेरे को ऑब्जेक्टिव किमें बनेगा कि मेरा ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉफिट हो गए, तो यह की होएगा मेरा ऑब्जेक्टिव होएगा, ठीक है। तो इदा तुसी की कर सकते हो, क्वेश्चन नू समझ सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है, उम्मीद है तुहानू ये चीज़ क्लियर हुई होएगी। स्टिल कोई डाउट होया यू कैन आस्क इन द कमेंट सैक्शन। ओवरऑल अपने को कुछ बन गया, ओवरऑल देखो अपने को बनया, अपने को बनया कि मैंने की करना है मैक्सीमम करना, सॉरी इतने मैंने थोड़ी दिक्कत, हाँ इतने मैंने की करना है मैक्सीमाइज करना है, क्यों मैक्सीमाइज करना है, देखो पीछे अपने जो इक्वेशन बनाई से 30x प्लस 50y, राइट। सो इतने मैंने मैक्सीमम करना सीगा 30x प्लस 50y, ठीक है जी, इन्हों मैंने की करना है मैक्सीमाइज करना है, एंड जिन्हों तो सी जेड का नाम भी दे देने हो इज इक्वल टू, यह जेड नहीं होंगे बट इसमें जेड का नाम दिता जाता है, ठीक है। और जी मेरे को कॉन्सटेंट्स आ गई वो कि मेरे को होनगियाँ, देखो अपने पिछले बनाइया से फर्स्ट वन सी एक्स प्लस वाई दैट इज़ लैस दैन इक्वल टू 200, देखो अपने आप लिया दो बनाइया से बिल्कुल एक्स प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू 200, ठीक है जी। सैकेंड मेरे को बन गई, सैकेंड मेरे को बन गई 50x प्लस 300 वाई लैस दैन इक्वल टू 50,000, ठीक है, 50x प्लस 300 वाई लैस दैन इक्वल टू दिस, सैकेंड मेरे को बन गई। थर्ड मैंने थोड़ा क्या सी, ये तो होंगे ही होंगे कि एक्स भी वाई तो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होएगा, समटाइम्स ना इन्होंने दोनों इकट्ठा लिख देंगे लाइक दिस, तो सेम ही गल है, कोई इन्ना फर्क है नहीं, ठीक है। तो हूँ जेकर थोड़ा ओवरव्यू लीए कि आप हूँ तक की सीखिया, यह तो जी मेरे को होंगे जोड़ा ये उपर देख पा रहे हो दिस वन, ये जी होंगे मेरे को ऑब्जेक्टिव, ये मेरे को होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, जिन मैक्सीमाइज या मिनीमाइज करना होंगे, मिनीमाइज कदों करांगे जो अपने को होएगा लॉस की गल, ठीक है। ये जेडे मेरे को होंगे एक्स और वाई, ये मेरे को डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, ये मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि तुम पूरे पक्के हो जाओ इन्होंने चीज़ों के, ठीक है। ये सारे मेरे को होंगे कॉन्सटेंट्स होंगे, ठीक है, इन्हों एक स्पैसीफिक नाम भी दिता जाता है, इन्हों नॉन नैगेटिव कॉन्सटेंट्स भी किया जाता है, क्योंकि यह नैगेटिव नहीं होंगे, एक ही होंगे पॉजिटिव या जीरो हो सकते हैं, इन्होंने नॉन नैगेटिव कॉन्सटेंट्स के नाम भी जाने जाता है, ठीक है जी। उम्मीद है पहली गल तो सारा कुछ बेसिक वाला समझ आ गया होगा, ठीक है। हम अगे चलते हैं थोड़ा जहा, ये हैगी अपने को बेसिक जी इनफॉर्मेशन, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट थोड़ा इदा दसूंगी कि मैथड इदा तो शायद कुछ गल् नहीं भी समझ आनी, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रोपरली समझते हैं। एक तुम ये भी कह सकते हो कि ग्राफिकल तुम इतने हैडिंग अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ग्राफिकल मैथड की है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलो फिर एक एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल की हैल्प न इसमें प्रोपरली सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दी हुई है इतनी कोई भी मैंने ले लिया कि मैंने की करना है मैक्सीमाइज करना है, किनू करना है ऑब्वियसली जेड होएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मैंने दिता हुआ 5x प्लस 3y इस तरीके, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं तुहानू क्यों करवा रही हूँ, इदा दी इन्ना लंबा क्वेश्चन आपां एग्जाम दे विच नहीं आऊगा, आपां क्वेश्चन आ सकते हैं फिजिबल रीजन कंस्ट्रेंट्स मैक्सीमाइज मिनीमाइज, ठीक है, वो की होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की होंगे, इदा दियां चीज़ां। तो अगर आप एक क्वेश्चन करांगे तो उस तो बाद जिहड़ियां चीज़ां हो गई फिजिबल रीजन किहड़ा होंगे की नहीं होंगे पॉइंट्स किहड़े किदा होंगे है वो समझने विच ईजीली आपां अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आप प्रोपरली देखते हैं कि इन्हें सॉल्व किदा करीदा होंगे, और जो कॉन्सटेंट्स दिते हुए हैं वो कि दिते हुए हैं, वो है जी 3x प्लस 5y लैस दैन इक्वल टू 50, ठीक है। एक मैंने दिता हुआ 5x प्लस 2y लैस दैन 10, 5x प्लस 2y विच इज़ लैस दैन 10 इस तरीके, एंड थर्ड मैंने दिती हुई है x ग्रेटर दैन इक्वल टू y विच इज़ कॉमन एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतने मैंने किन्ने कॉन्सटेंट्स दिते हुए हैं, 4 कॉन्सटेंट्स दिते हुए हैं, एक मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन इको ही होंगे जो मैंने मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सब तो पहला आप करांगे, सब तो पहला काम अपना होएगा इसका ग्राफ बनाना, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना। किवें बनावांगे ग्राफ, देखो मेरे को तीन इतनी इक्वेशन्स है, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, ये तो मैं पता ही है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो सब तो पहला मैं करांगे इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इस इक्वेशन के देखो कि है 3x प्लस 5y
एक बारी मैं इनइक्वालिटी नू हटा के इक्वालिटी लिख रही हूँ, ठीक है। हुण इसका ग्राफ बनावांगे, तो इसका ग्राफ इन जनरल अपन पता है कि आप बचपन दे विच किदा बनांदे हुंदे सी, एक बारी एक्स की वैल्यू नू जीरो पुट कर देंगे, एक बारी वाई की वैल्यू नू जीरो पुट कर देंगे, इदा अपने कोल की है ग्राफ ईजीली बन जाएगा, जिथे तुहानूं लगे कि एक्स जीरो पुट करके वाई भी जीरो आ रहा, उत्थे कोई होर वैल्यू पुट करके आराम नाल ग्राफ फाइंड आउट किया जा सकता है। कोई भी इशू नहीं है, ग्राफ बनाना आप सारे आता, आप मास्टर गाइड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो इतने अपने को है, अगर अपने को एक्स की जीरो हो जाती है, दैन इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरसटैंड कि मेरे को वाई की वैल्यू कितनी होएगी, मेरे को वाई की वैल्यू होएगी थ्री। वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू थ्री। वैन वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। जो मेरे को हो जाता है, जो अपने को एक्स जीरो हो जाता है, सॉरी वाई जीरो हो जाता है, सॉरी है ना, वाई जीरो हो जाता है, दैन मेरे को कि रह जाएगा थ्री एक्स विच इज इक्वल टू फिफ्टीन, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव आ गई, आ बन गया, ठीक है। दैन सिमिलरली मैं दूसरे का भी हूँ इतने नाल दी नाल ही बना रही हूँ ग्राफ, ग्राफ नहीं टेबल। तो इतने मेरे को कितना है, फाइव एक्स प्लस टू वाई विच इज इक्वल टू, इनइक्वालिटी हटा के मैंने की लगा दी है, इक्वालिटी लगा दी है, ठीक है। सो मेरे को बन गया एक्स और वाई है, एक बार एक्स की वैल्यू जीरो पुट करांगे वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक बार वाई की वैल्यू जीरो पुट करांगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो तो इतने देखो जी की वैल्यूज आ जाएंगी मेरे को जी, तो मेरे को जो मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी, मेरे को वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, फाइव आ जाती है, ठीक है। तो इतने मेरे को वाई की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव आ गई। और जब मैं वाई की वैल्यू जीरो पुट करांगे तो मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी, ठीक है जी। देन मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई, ठीक है। सो लाइक दिस, तो एक मेरे को आ बन गया, एक मेरे को आ बन गया। हूँ कुछ स्टूडेंट्स से माइंड आ रहे होएगा मैम इन्ना का नहीं बनाऊंगी, इन्हों का बनाने की लड़ है ही नहीं जी, आपको पता है कि ए मेरे को है एक्स इजकल टू जीरो एंड वाई इजकल टू जीरो, यह तो दो ही क्वेश्चन बनगियां, ठीक है। हूँ थोड़ा जहा आ जाने आप ग्राफ के ऊपर, लैट दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है जी। और देखो इतने मेरे को है, जो तो मेरे को एक्स की वैल्यू जीरो है, मैं पहले इस लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, जो तो मेरे को एक्स की वैल्यू जीरो है, उदो मेरे को वाई की वैल्यू थ्री है, वन टू थ्री, मतलब इतने कितने होएगा मेरे को, ठीक है। अगला पॉइंट मेरे को आएगा जो एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू थ्री है, और जो तो मेरे को वाई की वैल्यू जीरो है, दैन एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी है, फाइव, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव, इतने कितने मेरे को लेगा पॉइंट आएगा, ठीक है। ये पॉइंट मेरे को कितना है, जीरो थ्री, और ये पॉइंट मेरे को कितना है, फाइव जीरो, यही है ना, फाइव जीरो एंड जीरो थ्री, ठीक है जी। चलो तो हूँ इन्होंने दोनों मिला के अपने को एक लाइन की इक्वेशन बन गई, और लाइन की इक्वेशन केड़ी होएगी, इन्होंने दोनों मीट कर दो पहले, तो वेट मैं पेन ले ला, नहीं तो हो रही कुछ हो जाएगा, इन्होंने दोनों मीट कर दो, इन्होंने दोनों मीट करके हाँ जी, दैन मेरे को इन्हों दोनों इदा मीट कर दिता, ये मेरे को बन गई क्वेश्चन ऑफ लाइन। किस लाइन की क्वेश्चन बनी है जी, ये मेरे को बनी है थ्री एक्स प्लस, इतने मैं लिख रही हूँ ऊपर, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन, इस लाइन की क्वेश्चन बनी है, ठीक है। हम दूसरी लाइन की क्वेश्चन बना लें, दूसरी लाइन की क्वेश्चन की कहती है, जो एक्स की वैल्यू जीरो है उदो वाई की वैल्यू कितनी है, फाइव है। तो दो स्टेप आप होर इस बना लें, इतने मेरे को फोर होएगा, इतने मेरे को फाइव होएगा, दैन ए पॉइंट मेरे को केड़ा है, ए पॉइंट हैगा मेरे को जीरो फाइव, जो एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू फाइव है, मतलब ए वाला पॉइंट होएगा। और दूसरा पॉइंट मेरे को केड़ा है, दूसरा पॉइंट मेरे को हैगा है टू जीरो, मतलब जो वाई की वैल्यू जीरो है उदो एक्स की वैल्यू टू है, मतलब ए वाला पॉइंट टू जीरो। हूँ इन्हों दोनों मीट कर दो, इन्हों दोनों मीट करके मेरे को दूसरी इक्वेशन आप बन जाएगी लाइन की, ठीक है। वो केड़ी बन जाएगी, वो मेरे को बन जाएगी थोड़ा देख के बनाना, अपने को गया हाँ जी, तो यह मेरे को बन जाएगा कुछ इस तरीके का, इन्हें थोड़ा देख लियो, ठीक है, आई विल ट्राई अगेन, बिल्कुल है ना, होगा नहीं आ चाहिए मेरा ड्रो, जी हो गया, ठीक है। तो यह मेरे को की है दूसरी ओके, ये मेरे को की है दूसरी लाइन की क्वेश्चन है, ठीक है, जिड़ी लाइन की क्वेश्चन आपने ड्रॉ की है, और यही क्वेश्चन हैगी कि यह हैगी अपने को थ्री एक्स, ये मेरे को हैगी है, नीचे लिख रही हूँ मैं, नहीं थ्री एक्स नहीं फाइव एक्स, फाइव एक्स प्लस टू वाई विच इज इक्वल टू टेन। तो मतलब मेरे को ए रीजन बन गया, एक लाइन मेरे को सीधी सीधी बन रही है विच इज एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली केड़ी होएगी, ए वाली होएगी, दैन ये मेरे को हैगी एक्स इज इक्वल टू जीरो की लाइन, और ये मेरे को हैगी वाई इज इक्वल टू जीरो की लाइन, नीचे तो कोई डाउट है ही, तो चारों लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो हूँ देखो, हूँ आ वाली चीज़ चख लो, ए वाली एंड ए वाली, ठीक है। वैसे तो ना इन जनरल की होंगे, आप मोस्टली जीरो जीरो पॉइंट लैके चैक करते हैं, जिन्होंने याद है, जिन्होंने नहीं याद उन्होंने मैं दसदा, जिम्मे मेरे को आ वाली लाइन है, पर्पल वाली लाइन है, ठीक है। इस लाइन दे मैंने की किया, कोई भी एक पॉइंट लै लिया, जरूरी नहीं है वो रीजन ही लैना है,
कोई भी हो सकता है, बट आपा इन जनरल ओरिजन ही लेके चलते हैं, तो इतने भी आपा ओरिजन ही लेके चलेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने की किया ओरिजन पॉइंट इस इक्वेशन के पुट कर दिता। किन अगे देखो, मैंने इस इक्वेशन के 3x प्लस 5y विच इज़ लैस दैन इक्वल टू 50, इस मैंने ओरिजन पॉइंट पुट कर दिता, तो मेरे को कितना बन जाएगा 30 प्लस 50 विच इज़ लैस दैन इक्वल टू 50। तुम ये देखो कि यह जो स्टेटमेंट है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है जो कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है, तो तुम कहोगे तो क्लीयरली नज़र आ रहे हैं मैनू ये स्टेटमेंट की है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्यों जीरो की है 15 तो की होंगे है लैस होंगे है, तो यह ट्रू होगी। जदों ही ट्रू होगी मतलब तुम्हें की किया एक लाइन लई, उस लाइन के किया उस लाइन के पॉइंट लिया गया मेरा पर्टिकुलर कलर, हाँ जी, तो वो की है वह जीरो की हो गया ट्रू हो गया, तो तुम उत्थे की करोगे कलर में फिल कर दो। ठीक है, किधर वालों ओरिजन वालों ही फिल करोगे। ठीक है जी, किधर वालों फिल करोगे ओरिजन वालों ही फिल करोगे, ये वाला एरिया थोड़ा की हो जाएगा कलर हो जाएगा, समझ आया। देखो तुम्हें की किया जो लाइन तुम चेक कर रहे हो उस लाइन के एक साइड एक पॉइंट लै लिया। ठीक है, उस लाइन के एक साइड एक पॉइंट लै लिया, आप लै लें ओरिजन बी ओरिजन लै लें इन जनरल। ठीक है, तो वो मैंने देखा कि जो मैंने उस पॉइंट में पुट किया तो जी स्टेटमेंट मेरे को बन रही थी वो स्टेटमेंट मेरे को बन गई ट्रू बन गई। अगर वो स्टेटमेंट मेरे को ट्रू है तो मतलब की है उस पॉइंट वालों सारा एरिया शेड हो जाएगा। अच्छा, अगर थोड़े माइंड आ रहे होना मैम अगर फोल्स आ जाती फिर तो फोल्स आ जाती आप उसके ओपोजिट साइड वाले शेड कर देंगे, मतलब फिर आप उपर वालों शेड कर दें। ठीक है, क्लीयर है, तो हूँ आप लै लें दूसरी स्टेटमेंट जी। दूसरी मेरे को कही है ए वाली है ग्रीन वाली विच इज़ 5x प्लस 2y लैस दैन 10। हूँ ये भी ओरिजन पुट करके देख लूँ। ठीक है, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y लैस दैन इक्वल टू 10, तो जो मैं ये 0 पुट करूँगी दैन ओबियसली ए भी की हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। जो ए भी ट्रू हो गया तो यह भी ओरिजन वालों की हो जाना है शेड हो जाना है। ठीक है, ए भी किधर शेड हो जाना है ओरिजन वालों ही शेड हो जाना है, तो आप इस ओरिजन वालों शेड कर देंगे। ठीक है, तो ए वाली जो लाइन है, ठीक है जी, ए वाली जो लाइन है इसके नीचे वालों शेड हो जाएगा सारा एरिया, आ वाला सारा एरिया की हो जाएगा शेड हो जाएगा ए वाला, समझ रहे हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ प्रॉपरली एक्सप्लेन करन दी, ते ए वाला एरिया अपने कुल की हो जाएगा शेड हो जाएगा। दोबारा जेकर फोल्स आ जाता तो आप ओरिजन के परे नू शेड कर दे, एक एग्जाम्पल होर ला लेंगे समझने के लिए, तो आप ओरिजन के परे वाले शेड कर दे। ठीक है, क्लीयर है। चलो हूँ एक दो इक्वेशन अपने को एक्स ग्रेटर दैन जीरो एंड वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है, ए वाला सारा पोर्शन आऊगा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो वाला, अवला सारा पोर्शन होएगा, तो वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो वाला, ए भी मतलब फस्ट क्वाड्रेंट सारा का सारा आएगा, कोई डाउट है नहीं। तो वो वाला एरिया केड़ा जो चार कॉमन आ रहा, तो तुम ये चीज़ देख सकते हो कि जो चार कॉमन आ रहा वो सिर्फ इन्ना के एरिया है जो फर्स्ट के भी सगा, सैकेंड के भी सगा, थर्ड के भी सगा और फोर्थ के भी सगा, तो मतलब जो ए वाले चार पॉइंट्स ने इन चार पॉइंट्स को मिला के अपने को एक रीजन बन गया, वो रीजन की है जिदे अपना प्रोपरली सारिया क्वेश्चन की कर रही ने कवर कर रही। ठीक है जी, क्लीयर है। तो जेडे चार पॉइंट्स मैंने मोटे मोटे डाउटेड इस रीजन आप बोलते हैं फिजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक है, इसनों आप नाम दे दें, ये मेरे को ओ पॉइंट है, ये मेरे को ए पॉइंट है, ये मेरे को बी पॉइंट है और ये मेरे को सी पॉइंट है, तो तुम कह सकते हो कि जेड़ा ये मेरे को ओ ए बी सी रीजन बनिया है इस रीजन आप बोलते हाँ, इस रीजन आप फिजिबल रीजन बोलते हैं, दिस इज अवर फिजिबल रीजन। ठीक है जी, फिजिबल रीजन केड़ा हुंदा है जेड़ा कि हर एक इक्वेशन का कॉमन पार्ट हुंदा, क्लियर है। उस तो बाद अपने को फिर आ जाता कॉर्नर पॉइंट्स का, जेड़ा ओ ए बी एंड सी ए पॉइंट्स मेरे को केड़े ने कॉर्नर पॉइंट्स ने, मतलब जेड़ा अपना फिजिबल रीजन है वो केड़े पॉइंट्स नू मिला के बनया उन्होंने आप बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, सो ए वाले जेड़े पॉइंट्स हो गए ये नाल नाल नोट करी चलो, यही चीज़ा होंगे जिहड़ियां पूछिया जांदियां एग्जाम दे विच, ओ ए बी एंड सी ए मेरे को इन्हों आप बोलते हैं, इन्हों आप कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। एक बार दोबारा भी सारे पॉइंट्स आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आप हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन के वाल ही मूव करते हैं। अपने को देखो कि पॉइंट्स हो गए, ओ पॉइंट हो गया विच इज 0 0। ठीक है, ए पॉइंट देखो जी कि ए पॉइंट मेरे को है 2 0। ठीक है, ठीक है, तो ए पॉइंट बारे मैं नॉलेज हैगी है विच इज 2 and 0। फिर आ जाता अपने को बी पॉइंट और फिर आ जाता सी पॉइंट, सी पॉइंट मेरे को केड़ा है, सी पॉइंट मेरे को है 0 3, बट रह गया बी पॉइंट। हूँ मैम बी पॉइंट बारे तो सू कोई नॉलेज है नहीं,
नॉलेज हैगी है किवें है ध्यान नाल देखो जिहड़ा बी पॉइंट वह किवें बन रहा है वह इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसैक्शन पॉइंट तो बन रहा जो ये दोनों लाइनज आपस इंटरसैक्ट हो रही ने तो थोड़े को बी पॉइंट आ रहा तो आप करा दोनों लाइनज का इंटरसैक्टिंग पॉइंट कढ लाँगे ठीक है जी। तो मतलब मैंने हूँ की करना है दोनों लाइनज का इंटरसैक्टिंग पॉइंट कढ़ना है 3x प्लस 5 बाई विच इज इक्वल टू 15 एंड 2x प्लस सॉरी 5x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 10 इन्हों दोनों का मैंने की करना है इंटरसैक्टिंग पॉइंट कढ़ना है। मैं सीधा लिख रही हूँ एक्स की वैल्यू इतने आ जाएगी 20/19 और वाई की वैल्यू इतने आ जाएगी 45/19 ठीक है। तो मतलब थोड़ा बी पॉइंट कितना आ जाएगा बी पॉइंट थोड़ा आ जाएगा 20/19 एंड 45/19 क्लियर है जी ठीक है। तो यह अपने को आ गए चारों पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। हूँ देखो आपने की करना सी आपने मैक्सीमाइज करना सी की दा ओबियसली जैड का जैड आपू की दिता हुआ सी जैड आपू दिता हुआ सी 5x प्लस 3y ठीक है जी। ये आपू जैड दिता हुआ सी आप करा उरे अगेन एक टेबल बनावे ठीक है। मैम तो बहुत लंबा क्वेश्चन है जी ये पूरा क्वेश्चन आप एग्जाम करना है नहीं बट इतने छोटे छोटे पार्ट्स ने वो अपन नॉलेज होनी चाहिए है सो बार बार दस रही ठीक है। सो ये अपने को हो गया फर्स्ट वन सेकेंड वन ठीक है। तो इतने मेरे को देखो जैड मेरे को है इतने मेरे कोई भी जैड दिता हुआ वैल्यू ठीक है विच इज 3 5x प्लस 3y तो एक पॉइंट मेरे को ओ पॉइंट सेगा मैंने गलत लिखता तो एक पॉइंट मेरे को सगा विच इज 0 0 एक पॉइंट मेरे को ए सगा विच इज 2 0 ठीक है एंड एक पॉइंट मेरे को बी सगा विच इज 20/19 एंड 45/19 ये वाला पॉइंट सगा एक पॉइंट मेरे को सी सगा विच इज 3 0 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 0 ठीक 0 3 सॉरी थ्री जीरो ठीक है। तो हूँ इतने की करना है आप फस्ट पॉइंट में जैड के पुट कर लेना तो मेरे को कि आ गया 0 + 0 विच इज इक्वल टू 0 ठीक है। फिर सैकेंड पॉइंट में जैड के पुट कर दो कि बन गया 5 × 2 + 0 विच इज इक्वल टू 10 ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में जैड के पुट कर दो कि बन गया 5 × 20/19 प्लस 3 × 45/19 कैलकुलेशन करके सोल्व करके अपने को आ गया 235/19 लास्ट पॉइंट नो पुट कर दो मेरे को कितना बन जाएगा 5 0 एंड इतने मैं फिर उल्टा लिखता सी एंड प्लस मेरे को 3 3 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 9 आपने फाइंड करना सी मैक्सीमाइज जैड तो बस इतनी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जड़ा अपने को मैक्सिमम है वो वैल्यू केड़ी है ए है मतलब ए वाला पॉइंट है जिथे तो वैल्यू की होएगी मैक्सिमम होएगी जो तुम एक्स की वैल्यू 20/19 और वाई की वैल्यू 45/19 लैके चलोंगे तो को जो सोल्यूशन होएगा वह मैक्सिमम होएगा ठीक है। सो इन चारों के सब तो वीडी वैल्यू के है ए वाली है दैन अपने को मैक्सिमम पॉइंट कि आ गया ए वाला आ गया बी पॉइंट विच इज 20/19 एंड 45/19 क्लीयर होया जी ठीक है। मिनीम फाइंड आउट करने कह दें तो यह अपने को मिनीमम है समझ आ गया किमें क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे। हूँ आप डिस्कस कर लें चीज़ा कि जोड़े पॉइंट्स ने दसो जी वो की होंगे फिजिबल रीजन वगैरह वगैरह वह सारा कुछ हूँ आप इस डायग्राम के ही देखते हैं ठीक है। पहली गल तो आ जाती है तोहे को फिजिबल रीजन देखो आपने पिछे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो फिजिबल रीजन होंगे हूँ मैं डायग्राम खोल रही हाँ आगा डायग्राम अपना जो कि फिर चला गया जी। तो यह वाला जो रीजन होंगे इस रीजन आप बोलते हैं इस रीजन आप बोलते हैं फिजिबल रीजन बोलते हैं ठीक है। तो फिजिबल रीजन के होंगे जी वो रीजन जेड़ा की हो सारे ही सोल्यूशन का सैट हो सैट ऑफ द सोल्यूशन ठीक है क्लीयर है। तो एक बार फिजिबल रीजन डिस्कस कर तो पहला आप बाकी चीज़ा भी डिस्कस कर लिए एक होंगे अपने को सोल्यूशन सोल्यूशन की होंगे सोल्यूशन हो गया वो वाली वैल्यूज जड़िया की होन सैटिस्फाई कर दी होने कॉन्सटेंट्स में बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं ठीक है। तो मतलब जेकर तुम इस गल करो तो यद मेरे को सोल्यूशन की है आ सारा सोल्यूशन है ठीक है इस इक्वेशन के लिए आ सारा सोल्यूशन है ठीक है जी। तो यह अपने को हो गया सोल्यूशन अच्छा फिर फिजिबल सोल्यूशन की होंगे फिजिबल सोल्यूशन होंगे एक मिनट अगे बनाइए इदा समझ जा नहीं लगना थोड़ा जहा एवं तो प्रोपर लग जाए गल अपने को बनया सी ये बनया सी बड़ा करके बना रही हूँ
ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਮੈਨੇ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਵਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਮੈਨੇ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾ ਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਦੀਜ਼ ਔਰ ਆਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਉਠਾ ਲਾਂ, ਉਹ ਪੱਕਾ 110% ਆਪਣਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਔਰ ਵਾਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾ ਲਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਉਠਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਠਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਉਠਾ ਲਓ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾ ਲਓ, ਏ ਉਠਾ ਲਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਠਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ। ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਸਾਰਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਫਿਜ਼ੀਬਲ, ਜਸਟ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਆਪਟੀਮਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਪਟੀਮਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਟੀਮਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਟੀਮਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਬਾਉਂਡਡ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਉਂਡਡ ਰੀਜ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਬਾਉਂਡਡ ਔਰ ਅਨਬਾਉਂਡਡ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਨਾਈਟ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵਿਕਸ ਔਰ ਕਨਕੇਵ, ਹੈ ਨਾ।
कन्वेक्स सेट और कनकेव। कन्वेक्स दे विच की हुंदा है, लेट अपने कोई भी एक डायग्राम है और उस डायग्राम दे विच तुसी की कर पा रहे हो। लेट मेरे को इत्थे मैं कुछ पिक्चर्स बना रही हूँ, पिक्चर्स नहीं मतलब कुछ डायग्राम्स बना रही हूँ, ठीक है। लेट यह मेरे कोई भी एक बॉक्स है, यह मेरे को इन्हों दोनों चीज़ों तो ही आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा किहड़ा कन्वेक्स है किहड़ा कनकेव है, ठीक है। एक हुंदा कन्वेक्स एक हुंदा कनकेव। देखो मैंने की किया इस शेप दे विच एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट दो कोई भी पॉइंट ले और उन्होंने मिलाता, सिंपल शब्दों में एक लाइन ड्रॉ की। मैं इदा की कितने भी लाइन ड्रॉ कर ला, कितने भी जिथे मैं कोशिश करूंगी कि हर इदा का पॉइंट मैं कवर कितने भी लाइन ड्रॉ कर ला तो वह जी लाइन है वह डायग्राम के अंदर अंदर ही रह रही है, वह लाइन बाहर नहीं जा रही, ठीक है। बट अगर इतने मैं एक पॉइंट इतने लिया एक पॉइंट इतने लिया इन्ह दोनों मिलाता तो मैं देख रही हूँ आ जो बिच वाला पोर्शन है यह तो डायग्राम तो बाहर चला गया क्योंकि मेरी डायग्राम एक रिंग शेप की है जिद जस्ट ए वाला एरिया कवर हो रहा, अंदर वाला एरिया कवर नहीं हो रहा, ठीक है। तो जेकर तुसी कोई भी लाइन ड्रॉ करो और डायग्राम के बिच ही रह जाए तो उसनों आपां केड़ी सैट बोलते हैं, उसनों आपां कन्वेक्स डायग्राम बोलते हैं, कन्वेक्स, ठीक है। इसनों आपां की बोलते हैं, कन्वेक्स नहीं हैगी, ये केड़ी हुंदी है, कनकेव हुंदी है, क्लियर है जी। तो कोई भी तुसी अगर चेक करना है कि रीजन कोई भी सैट कि वह कन्वेक्स है जां कनकेव है तो एक लाइन ड्रॉ कराया करो, उस लाइन नूं चेक कराया करो कि वह लाइन ड्रॉ करके डायग्राम के अंदर ही रहती है, अगर अंदर ही है दैन कन्वैक्स है अदरवाइज कनकेव है। हूँ यह मतलब यह नहीं है कि तुम इस इतने लाइन ड्रॉ करके देख ली तो कहता हाँ जी मैम अंदर ही है, नहीं। एटलीस्ट अगर थानू एटलीस्ट एक पॉइंट भी इदा का मिल जाता है जिदे देख पा रहे हो कि थोड़ी लाइन जो है वह अंदर डायग्राम दे बाहर क्रॉस हो रही है, दो पॉइंट्स मैंने डायग्राम के अंदर ले बट जो मैं उन्होंने मिलाया तो लाइन डायग्राम तो बाहर चली गई, ठीक है। तो वह पॉलीगन तो जो कोई भी चीज़ है पॉलीगन तो यह है नहीं, ठीक है। तो बाहर चली गई तो आप उसको कहेंगे कि वह कनकेव है या फिर नॉट कन्वैक्स है, क्लीयर है जी, ठीक है। बाउंडेड अनबाउंडेड अपना हो चुके हैं, ठीक है। इस तो बाद अपने को दो पॉइंट होर ने, वो केड़े दो पॉइंट ने, कहिंदे जदों तुसी यह डायग्राम बनाया सी प्रीवियस वाला तो कन्वैक्स कनकेव वाली चीज़ आ गई, हाँ जी। जो तुसी इहनू बनाया सी इहदे विच तुसी कंस्ट्रेंट देखी आ, जिहड़ी कंस्ट्रेंट थानू लगे कि वह यूजफुल नहीं हैगी मतलब वो तो बिना भी क्वेश्चन हो सकता सी, ठीक है। लैट मेरे को इतने एक होर इक्वेशन ऑफ लाइन दिती होंगी, ठीक है। यदा मेरे को कुछ ए वाला एरिया आ जाता तो मेरे को जिकर मैं सोचा कि इस बिना भी काम सर सकता सी, इन्नी लोड़ है नहीं सी, ठीक है। तो जिहड़ी कंस्ट्रेंट लगे कि वह बाउंड्री मेकिंग बाउंड्री बनाने कोई खास यूजफुल है नहीं, वो बिना भी काम सर सकता सी, उसनों आप बोलते हैं, उसने आप रिडेड कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है जी, क्लीयर है। उसमें आप कंस्ट्रेंट बोलते हैं रिडंडेंट बोलते हैं, जिड़ी की होंगी है एक्सट्रा होंगी है, मतलब जेकर तुहाडे कोल कंडीशन होवे उसका ना होंदा ना होंदा कोई भी फर्क ना पवे, उस तो बिना भी तुहाडा क्वेश्चन जो है सेम ही आंसर दे रहा। फॉर एग्जाम्पल जिमें आ वाली कंस्ट्रेन है, ये बाद विच लगा के भी मेरे तो कोई असर नहीं पिया, क्वेश्चन का आंसर मेरा सेम ही आया, तो आप इसनों की कहोंगे एक्सट्रा कहोंगे। और इन मैथमेटिकल लैंग्वेज इसनों की किया जाता है रिडंडेंट किया जाता है, मतलब की है जेकर यह ना होंगी तो भी मैंने कोई दिक्कत होनी नहीं सी, ठीक है। मतलब ईजीली क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता सी, तो ये रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते होंगे अपने को, ठीक है जी। यस, ठीक है। तो यह तो सी अपने पॉइंट्स जो थानू ये बारे पता होने चाहिए ने, और ये थानू एग्जाम्पल तो बाद समझ आने से करके मैंने कोशिश की है थानू प्रॉपरली समझाने की। एंड फिजिबल हो गया अपना, फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हो गया, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स भी हो गए, डेड एंड वाला भी हो गया, एंड जो तुम कह दें कि फाइंड करो इन्हों कंसट्रेंट्स के रिडंडेंट हैगी आ, तो उसके वास्ते जी तुम डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाओ तो डायग्राम बना के देखो कि केड़ी एक कंसट्रेंट है जिदे बिना तुहाडा क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही तुसी इदा दे क्वेश्चंस नूं सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक अपने को लास्ट पॉइंट है विच इज़ इनफिजिबिलिटी। इनफिजिबिलिटी की हुंदा है जिवें मान लो, ओके, जिवें मान लो ये मेरे, हाँ जी, जिवें मान लो ये मेरे को एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, एक रीज़न मेरा इधर वालों चला गया, ठीक है, और दूसरी मैंने कंस्ट्रेंट बनाई वह रीज़न मेरे को इधर वालों आ गया। मैं देख रही हूँ कि मेरे को तो कोई कॉमन रीज़न आया ही नहीं,
अगर कोई भी कॉमन नहीं आया, नो कॉमन रीजन, तो मतलब मेरे कोई सोल्यूशन भी नहीं आया, तो इस कंडीशन को आपा की बोल दिया, इनफिजिबिलिटी बोल दिया। हुण इनफिजिबल रीजन दे विच और इनफिजिबिलिटी दे विच डिफरेंस है। इनफिजिबल रीजन की सीगा वो आप पिछले डिस्कस करके आए हैं, ठीक है, बट इनफिजिबिलिटी की है जो तो हाड़ी कोई भी सोल्यूशन नहीं हैगा, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं हैगा। ये सोल्यूशन इधर वाल चले गए, ये सोल्यूशन इधर वाल चले गए, कोई भी कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं, उसमें तुम कि बोलते हो इनफिजिबिलिटी बोल, ठीक है। तो ये तो सके अपने कॉमन जो पॉइंट जो पता होने चाहिए ने। एंड इस तो बाद देखिए जी होर कि चीज़ें आ जाए अपने को एल पी पी के। चलो इस क्लास के इन्ना ही करते हैं, जड़िया भी अपने को चीज़ा रहेगी आप नैक्सट क्लास के डिस्कस करा, सिर्फ नैक्सट वीडियो हो रहेगी, उस तो बाद एल पी पी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। जेकर तुहानू क्लास पसंद आया दैन प्लीज़ शेयर जरूर करियो इसको अपने फ्रेंड्स के नाल। फर्स्ट टाइम आयो दैन डोंट फोरगेट टू सबसक्राइब एंड टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, हैल्पफुल होएगा तो, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।